हेलो गाइस, आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ चावल आटे का मुरकू। इसमें आप लोग विभिन्न डिज़ाइन में और डिफरेंट कलर में बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने बनाया है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, अलग अलग आकार दिया हुआ है। कुछ को जलेबी टाइप का, तो कुछ को फ्लावर टाइप का, तो कुछ को कर्ल टाइप का। तो इसको छानेंगे हम लोग, तेल गरम कर लेंगे। जब हमारा तेल गरम हो जाएगा तो ये सब जो हम लोगों ने बना के रखा है चावल आटे का मुरकू, जो कि हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, इसको हम लोग छान देंगे। आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है देखने में, और शाइनिंग भी बहुत अच्छा है, इसका टेस्ट भी अच्छा आता है, और ये सेहत के को कुछ नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। आप लोग इसे घर में ही बना सकते हैं चावल आटे से। तो हमारा तेल जो है वो गर्म हो चुका है, अब हम लोग इसमें छान देंगे। तो इस तरीके से छानना है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, उलट पुलट करके इसको छान देना है। तो एक ठो हमारा हो चुका है, एक साथ दो तीन भी कर सकते हो, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक ही एक कर रहे हैं। इसको आप लोग खाना खाते टाइम खा सकते हो, या तो फिर खाली टाइम में भी खा सकते हो, कुछ नमकीन खाने का मन करे तो। और इसमें कुछ मसाला वगैरह भी ऐड कर सकते हो छानने के बाद जो है इसमें। तुरंत मसाला डाल देने से जो है इसका टेस्ट और बढ़ जाता है, लेकिन हमें सिंपल वाला चाहिए, तो यहाँ पे मसाला यूज़ नहीं कर रही हूँ। इस तरह से देख सकते हैं, अगर आप लोग को तीखा चटपटा पसंद है तो इसमें कुछ खट्टा और मिर्च भी ऐड कर सकते हैं बनाते टाइम। और सिंपल चाहिए तो ये सबको स्किप भी कर सकते हैं। ये छत्तीसगढ़ी डिश है, छत्तीसगढ़ में ज़्यादा बनाया जाता है चावल आटे का मुरकू। क्रंची होता है ये, और इसका टेस्ट अच्छा रहता है। यहाँ पे इस तरह से छान लेना है इसको। और अगर आप लोग को मसाला वाला चाहिए तो इसको बाहर निकालते ही इसके ऊपर में मसाला डाल देना है। अब हमारा रेडी हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग इस तरीके से। ये बच्चे के लिए अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बच्चे लोग इसको बहुत पसंद करते हैं और खाते भी हैं। और आप लोग वो चाहें तो इसका अलग शेप भी बना सकते हैं, इंटरेस्टिंग शेप जो बच्चे लोगों को पसंद हो उस टाइप का। हेल्दी फूड है ये।